Hey everyone, I welcome you all to our CMA SFM final lectures. तो I hope आप लोगों का portfolio management ये chapter खत्म हुआ है, आप लोगों का sheet तैयार है सब formulas के साथ, okay? And to be very frank with you guys, तुम लोगों ने 13 lectures में पूरा portfolio खत्म किए। अगर आप आपका module भी open करते हो, तो आपको sum आना चाहिए। Let it be any simple sum or any difficult sum, you can solve that sum, okay? Now पोर्टफोलियो को लिटिल बिट साइड में रखो। नाउ फ्रॉम टुडे वी स्टार्टिंग विद आवर न्यू चैप्टर दैट इज डेरिवेटिव्स। ओके, फ्यू और एक बात था, मैंने लास्ट लेक्चर पोर्टफोलियो का एक होमवर्क दिया, दो होमवर्क दिए थे, फ्यू ऑफ यू हैव सेंड मी, फ्यू ऑफ यू हैव नॉट सेंड मी, और मैं इसका आंसर भी आपको भेजने वाला हूँ, तो वो भी आप चेक कर लीजिए प्लीज। मेनी फ्यू स्टूडेंट्स आई थिंक सेकेंड सम जो इसका था कैरेक्टरिस्टिक लाइन का, वो शायद से तुमको नहीं जमा था। ओके, तो प्लीज डू मैसेज मी अगर आप आते हो वो 13 लेक्चर तक। ओके, मुझे प्लीज एक बार मैसेज करो सो दैट आई कैन सॉल्व इट। वो सेम ही सम है, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। मैंने वो सेकंड क्वेश्चन चेंज किया उसमें, ठीक है। नाउ पोर्टफोलियो लिटिल बिट दिमाग से बाहर निकालो। ओके, बिकॉज फॉर अ लॉट ऑफ लाइकिंग वॉल लाइक मोर देन 2 वीक्स वी आर डूइंग ओनली पोर्टफोलियो। ओके, तो तुम उसी फ्लो में थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिस्क एंड ऑल दैट। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मतलब पोर्टफोलियो तो इंपॉर्टेंट है ही, और उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा? डेरिवेटिव्स। ओके, मेनी ऑफ यू माइट यू नो दिस टर्म, मेनी ऑफ यू माइट नॉट नो, मेनी ऑफ यू ऑल्सो नो कि नहीं, अरे बहुत डेंजर है यार डेरिवेटिव। मतलब तुम लोग ने जितने भी सीएमए फाइनल का पहला अटेम्प्ट दिया रहेगा या कोई तुम्हारे फ्रेंड्स है, तुम लोग को दो ही चीज बोलेंगे, डेरिवेटिव और फॉरेक्स। ये दो चीज ऐसे बोलेंगे तुमको, ऐसा डराएंगे ना वो, अरे ये बहुत डेंजर है। So there is nothing danger in this. तो तुमको अगर portfolio भी danger लगता था, आपको अभी नहीं लगेगा, because it is very simple chapter. Derivatives भी वैसा ही यार, बहुत simple है। तो सबसे पहला अपना simple फंडा क्या है? पहले उसका word पकड़ो यार, क्या word में लिखा है? Derivative. Derivative का मतलब क्या है? It has derived from this word. ये word जो आया वो कहाँ से आया है? Derived से आया है. What do you mean by derived? तुम value कहाँ से ले रहे हो? Derivatives एंड योर स्टॉक मार्केट, कैश मार्केट, बेसिकली वो दो अलग चीजें हैं। जब तुम लोग ट्रेडिंग करना सीखोगे, when you start doing trading, many of you might know also कि ट्रेडिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, उसमें सब लोग पहले amateur लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में डालते पैसे, स्टॉक मार्केट मतलब इक्विटी में डालते हैं बेसिकली। दे डू नॉट गो इन टू एफ एन ओ। वॉट इज एफ एन ओ? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये किसका पार्ट है बॉस? डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव भाई साहब एक मार्केट ही है, अलग मार्केट है वो। मतलब उस मार्केट में वही बंदा जाएगा जिसको नॉलेज है। हम लोगों को मार्केट में घुसने का नहीं है यहाँ पे, हम लोगों को यही सीखने का है कि हम सम स्टैकिंग कैसे कर पाएंगे अपने सीएमए फाइनल लेवल। अब बहुत इजी सम आते हैं, पर पहले आज के लेक्चर में ये जान लो कि भाई साहब डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है। सो प्लीज राइट डाउन, प्लीज राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स are instruments, are instruments, derivatives are instruments which derive their value, that is important, which derive their value, which derive their value from an underlying asset, from an underlying asset. एकदम आराम से जाओ and please study smart, okay? स्मार्टली स्टडी करने का है, कम से कम लेक्चर्स में मैक्सिमम आउटपुट चाहिए हम लोगों का, ठीक है। सो पहले अपन ने क्या लिखा कि बाबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स? तो भाई साहब एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का मतलब गिटार नहीं है, इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या कि एक सिक्योरिटी है। इक्विटी शेयर इज ऑल्सो टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट ऑन द अदर हैंड साइड, अगर आपने तुम्हारी जिंदगी में तुमने कभी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पढ़ा रहेगा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? दैट इज अ पीस ऑफ पेपर एग्जीक्यूटेड साइंड बाय बोथ द पार्टीज, उसको इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। तो भाई साहब इसमें वही होता है, अरे बाबा डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है दो जन के बीच में, बट जिसका वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? अंडरलाइंग असेट के ऊपर। दिस इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव। वापस एक बार रिपीट करो, आप भी जहां पे भी बैठे हो पढ़ाई करने को, प्लीज रिपीट व्हाट डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव मींस एनी इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम व्हाट? अंडरलाइंग असेट। सर ये तो समझे आप, इसका एग्जाम्पल क्या है? मतलब दिमाग में जा नहीं रही है एग्जाम्पल यार। अरे गोल्ड बॉन्ड्स, गोल्ड बॉन्ड्स का मतलब क्या है? अरे बहुत फैमिली ऐसे होते हैं जिनको पैसा इन्वेस्ट करना होता है, अरे बट वो रियल गोल्ड में नहीं करेंगे, अरे बोलेंगे गोल्ड में कौन करेगा, अरे वो कहां पे रखने का गोल्ड,
चोरी गए हो, तो उससे अच्छा क्या करो, इफ यू आर वरीड अबाउट दिस गोल्ड बीइंग गेटन बाय थेफ्ट, तो तुम क्या करोगे, गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे। अरे आप अगर गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो भाई साहब इट इज एज गुड एज कि तुम गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो। गोल्ड का भाव बढ़ गया, तुम्हारे बॉन्ड का भी वैल्यू बढ़ेगा। बट रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड बॉन्ड का जो वैल्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड है रे? गोल्ड के ऊपर डिपेंड है बॉस, एंड दिस गोल्ड इज योर अंडरलाइंग असेट। तुम जब गोल्ड बॉन्ड जाके खरीदोगे भाई साहब, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब बनेगा तो तुम्हारा पूरा वैल्यू, तुम्हारा पूरा नजर किसके ऊपर रहेगा? जब गोल्ड के ऊपर रहेगा ना, अगर गोल्ड का भाव नीचे आया तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट का भी भाव नीचे आएगा। तो दैट गोल्ड बॉन्ड एंड गोल्ड, ये जो गोल्ड है, दैट इज द अंडरलाइंग असेट, एंड दिस थिंग इज नोन एज डेरिवेटिव, बिकॉज दैट कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग असेट, फुल स्टॉप। इसके आगे और डीप में मत जाओ, इतना अपने लिए बस है। डिड यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस? सेकंड, ये अपना फर्स्ट हो गया। सेकेंड क्या है, सबको लिखने का है, एवरीवन राइट इट ऑफ, इट्स अ ऑनलाइन लेक्चर रिकॉर्डिंग थिंग। अभी अब तो मेरे सामने रहता ना ऑफलाइन, तो मैं आपको ऐसा एक एक बुक चेक करता, बट अभी ऑप्शन नहीं है, एवरीबॉडी इज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, सो प्लीज डू इट विद सिंसियरिटी। ओके, आपने को कुछ भी करके जून या दिसंबर में अटेम्प्ट निकालने का, मतलब जून मतलब जिसका जून में हो, जून में जिसका दिसंबर में है, दिसंबर में ऐसा मत सोचो कि सबने बोला जून या दिसंबर, नहीं नहीं, जून जून वालों के लिए, दिसंबर दिसंबर वालों के लिए। सेकंड, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, क्या हो रहा है स्क्रीन को, टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स एकदम सिंपल, बहुत ही इजी है। देखो तो कितने कितने टाइप्स है, अरे डेरिवेटिव एक भाई साहब मार्केट है रे, मार्केट है वो, डेरिवेटिव ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं है हमारा, डेरिवेटिव में टाइप्स है, तो वो टाइप्स अपने को सीखने का है। पहला, फर्स्ट फॉरवर्ड मार्केट, फर्स्ट फॉरवर्ड मार्केट, फर्स्ट फॉरवर्ड मार्केट, what is happening with the stylus, god knows. next futures market, next kya hai, futures market, uske baad sabse important options, aur last mein aata hai swaps, a b c d, kitne type hue, char type, ek kya hai, types of derivatives, are derivative mein concept hai, ek concept hai, usme char type hai, pehla wala kaun sa hai, forward, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्वॉप, गॉट इट? तो इसका मतलब क्या है, ठीक है बाबा चार है, तो मैं वापस बोल रहा हूं, जब भी डेरिवेटिव पिक्चर में आता है, डेरिवेटिव के ऊपर सम नहीं आता कभी, इसके ऊपर सम आता है जो तुम्हारे सामने है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वॉप। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्यूचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शंस, ऑप्शंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऑप्शंस। मैं गलती से यहाँ पे टीवी में देखने गया कि रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारा, ऑप्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू आर ट्रेडिंग, तो आपको ये समझ में आएगा, दो टाइप के ऑप्शन होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शन, ये सब कुछ आने वाला बहुत ही इजी फंडा है। ओके, बट ये बाद में करेंगे, अभी एकदम स्टार्टिंग में नहीं, पहले अपने को फॉरवर्ड फ्यूचर्स अब समझने का है, क्या इसका मतलब है। ओके, एकदम आराम से जाओ, पहले क्या उठाएंगे अपन, फर्स्ट क्या उठाएंगे, फॉरवर्ड। एवरीबॉडी एकदम आराम से, मैं कंसेप्ट को धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूँ, फिर अपन एकदम कंसेप्ट एंड में जाएंगे। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन एंड राइट एवरी पॉइंट, वीडियो पॉज करो और देखो और लिखो। पहला आपका आएगा फॉरवर्ड मार्केट, कंसेप्ट समझ लो पहले क्या है। तुमको मालूम है क्या रहे, आजकल मार्केट में जितने भी लोग होते हैं वो पहले से ही सौदा करते हैं, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, क्यों कि भाई साहब आगे जाके अगर प्राइस डाउन हुआ तो उनको वो नहीं चाहिए रहता, तो पहले से वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अरे बाबा ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है ना, किसी महान व्यक्ति ने नहीं निकाला। अरे बाबा देयर वाज अ मार्केट इन शिकागो, देयर वाज अ मार्केट इन व्हाट, शिकागो, वे शिकागो, यूएस में, शिकागो में क्या हुआ था, फार्मर्स लोगों को बहुत डर था रे, कौन सा डर था, प्राइस फॉल होने का। अभी इंडिया में कैसे होता है, इंडिया में तुमको मालूम है अभी समर्स चालू है, फिर रेनी सीजन और फिर अपना ठंडी, ये मालूम है तुमको। अरे बाहर ऐसा थोड़ी होता है यार, वो कभी भी बारिश गिरता है बाहर, तो फार्मर्स वर लिटिल बिट स्केप्टिकल यार, वो ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई साहब ठीक है हम लोग माल यहाँ पे कर रहे हैं, हार्वेस्ट कर रहे हैं, बट इतना वो प्राइस नहीं मिल रहा है। और वहां पे क्या लैंडलॉर्ड रहते थे बड़े बड़े लोग, और वो क्या करते थे, ऐसा दाम गिर के मांगते थे ना इनसे, तो ये लोग बहुत लॉस में जाते थे। सो फार्मर्स लोगों ने एक पैक्ट बनाया,
और ये बोला एक काम करते हैं, अभी इन लोग से पहले ही जाके क्या करने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का, पहले ही जाके क्या करने का, एक कॉन्ट्रैक्ट करने का। एग्जाम्पल, लेट अस से देयर वॉज वन फार्मर जो वीट के बिजनेस में था। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 किलो उसको क्या करने का था, बेचने का था। अभी 1 किलो बेचने का उसने प्राइस कितना निकाला, लेटर से 50 रुपीज पर केजी। एग्जाम्पल कितना निकाला, 50 रुपीज पर केजी निकाला। नाउ द पॉइंट इज, वेन एवर ही इज गोइंग द मार्केट, ही इज एक्सपेक्टिंग दैट ही शुड गेट हाउ मच रुपीज, 50 पर केजी। बट भाई साहब जब जाते हैं ना तो सामने वाला उसको देता नहीं था 50 रुपए, बोलता था नहीं यार नहीं देगा, मार्केट डाउन है, ये डाउन है, इन स्पाइट द मार्केट बीइंग अप। तो भाई साहब ये क्या करते हैं, एक बंदे के साथ, लेट अस से ये मिस्टर ए, ये बहुत ही रिच बंदा है और जो सबसे माल उठाता है, तो ये इसके साथ ये पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट करता है कि देख भाई आगे जाके तुझे अगर ये 1 किलो का वीट चाहिए, मैं तुझे रुपीज 50 में ही दूंगा। तो मिस्टर ए क्या बोलता है मालूम, क्या मिस्टर ए को मालूम होता है ये 50 रुपए में आगे जाके तो मार्केट एकदम सेंसिटिव है, ऊपर नीचे हो जा सकता है, ये क्या कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है इससे, कौन, अपना मिस्टर ए। देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंस व्हेन द मार्केट, जब मार्केट क्या होता है सच में, अब देखो व्हेन द मार्केट गोज डाउन ऑन दैट डेट व्हाट विल हैपन, मुझे बताओ, ये रुपीज 50 लेटर से रुपीज 30 में आ गया, तो हु इज इन टू प्रॉफिट, द फार्मर इज इन टू प्रॉफिट। व्हाई इज द फार्मर इन टू प्रॉफिट, बिकॉज अगर 30 रुपीज मार्केट में है, फार्मर को इतना मालूम है क्या बॉस कि अपने को तो 50 रुपए में ही मिलने वाला है, बिकॉज मार्केट इज ऑल 30, बट फार्मर हैज ऑलरेडी डन अ कॉन्ट्रैक्ट विद होम, विद दिस मिस्टर है, तो उसको कुछ टेंशन नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि वो सब जाओ वहां पे, मुझे मेरा 50 रुपए तो 100% मिलने वाला है। सो ही इज एकदम रेस्ट अश्योर्ड, बिकॉज उसने क्या किया है, उसने सामने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट टेल मी वन थिंग, व्हेन दिस फार्मर विल गो ऑन दैट डे, जब ये प्राइस 30 को गिराए, वो एकदम जाएगा बिंदास, बोलेगा भाई मुझे 30 रुपए नहीं, मुझे 50 रुपए चाहिए, क्योंकि मैंने तेरे से पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो ये क्या बोलता मालूम क्या, जो करने का एक कर, मैं तेरे से माल उठाएंगा नहीं, चाहिए तो मैं तुझे सिर्फ 30 रुपए दूंगा। अभी फार्मर ये बोल रहे हैं ये तो ना इंसाफी है, मैंने तेरे से कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था, 50 का किया था, अभी मुझे 50 रुपए ही चाहिए, वो नहीं बोलता जो करने का एक कर। अरे बिकॉज फार्मर्स डिड नॉट हैव व्हाट, देयर वाज नॉट अ सिंगल रेगुलेटर, अरे कौन देखेगा इसको, ऑल द बिग पीपल, वो लोग क्या करेंगे, वो बोलेंगे नहीं हम लोग नहीं देंगे, जो करने करो, जाओ कोर्ट में केस डालो। बिकॉज इसका इस फॉरवर्ड मार्केट का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, तुमको ये देख के तुमको ये समझेगा कि इसका देयर इज नॉट अ सिंगल रेगुलेटर, एक भी रेगुलेटर नहीं है। व्हाट इज रेगुलेटर, अरे अथॉरिटी, जैसे अपना स्टॉक मार्केट में कौन है, सेबी है, सेबी ओवरलुक्स एवरीथिंग, इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स, अरे तब कोई नहीं था। So the biggest disadvantage, ये इसका क्या, ये disadvantage है, this is the disadvantage of what, of forward market. So that is one point की where the forward markets were lacking. And to remove this disadvantage, the next market came into picture. So next market कौन सा है आपने picture में, that was your futures market, that was your futures market. So to remove the disadvantage of forward market, कौन सा पिक्चर में फ्यूचर, अभी तुम मुझे बताओ ये फॉरवर्ड और फ्यूचर में फर्क क्या है रे? फर्क इतना ही है कि भाई साहब फ्यूचर्स मार्केट में रेगुलेटर है, फ्यूचर्स मार्केट में क्या है, रेगुलेटर है। तो देखो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स, यू हैव टू राइट दिस एवरीथिंग, चलो जल्दी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स are standardized forward contracts which are, this is important, which are traded through kya hai, stock exchange। अरे भाई साहब जब स्टॉक एक्सचेंज पिक्चर में आता है तो कौन आएगा पिक्चर में, रेगुलेटर आएगा। इंडिया में कौन है, सेबी है, यूएस में कौन है, और सेक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। तो व्हेन रेगुलेटर्स कम इनटू पिक्चर देन नो पार्टी कैन ब्रीच, कोई ब्रीच नहीं कर सकता, उसके ऊपर पेनल्टी बैठेगा सीधा। सो दिस वॉज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूचर्स मार्केट, गॉट इट, सिंपल।
फॉरवर्ड फ्यूचर। ये लोग क्या करते रहे, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, पहले ही प्राइस फिक्स करते हैं ताकि आगे जाके लॉस ना हो। ये आइडिया एकदम भारी था, एकदम धासू आइडिया था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, फॉरवर्ड में नहीं चला, कोई था ही नहीं कोई देखने के लिए यार, बट फ्यूचर में ये चला, फ्यूचर में, क्योंकि समवन वाज देयर टू लुक। सिंपल, कुछ टेंशन यहां तक मुझे बताओ, नथिंग। एंड नाउ वी विल डू समथिंग, अभी करेंगे, गिव मी वन सेकेंड, लेट मी जस्ट, यस गॉट इट। And now this is, let me have a sip of water. Okay. And next is your options. देखो, option ये word तुम लोगों ने पहले बहुत बहुत सुना रहेगा, बोले इनफैक्ट जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना उन लोग के ये वर्ड बहुत कॉमन रहेगा। ऑप्शंस में दो तरीके के ऑप्शंस है, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करेगा। ऑप्शन का मतलब क्या होता है, चॉइस, जबरदस्ती नहीं है बॉस, चॉइस है। लिखो पहला, फर्स्ट राइट डाउन, तुमको पहले क्या करता हूं मैं, देखो अभी तुमको मैं डिटेल में लिख के देने वाला हूं मैं। ऑप्शन दो टाइप के है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, बट ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है। वापस बोलता हूं, ऑप्शन का एक्सपायरी डेट होता है। देखो तुमने भाई साहब नॉर्मल इक्विटी शेयर लिया, उसमें कुछ नहीं देता एक्सपायरी, सॉरी, तुमको जब बेचने का है, जब प्रॉफिट है तब बेचो, बट ऑप्शन कम्स विद एक्सपायरी डेट, उस दिन में वो ऑप्शन एक्सपायर होगा। इसका मतलब क्या है वो मैं एक्सप्लेन करेगा, आपने को सम भी सॉल्व करने का है, पर पहले थ्योरी लिख के लो। ऑप्शंस एक्सपायर on last Thursday of every month. Options expire on last Thursday of every month and are divided, ये important है Thursday, and are divided into further two categories on what? On the basis of expiration date. भाई साहब अभी तुम कंफ्यूज मत होना, सर तुमने तो बोला दो ऑप्शन है, कॉल और पुट, ये एक्सपायरी डेट, अपन ये जो अभी कैटेगराइज कर रहे हैं वो एक्सपायरी डेट पे कैटेगराइज कर रहे हैं। मैं बाद में उसके टाइप भी बताएगा, वो कॉल और वो बाद में जाएंगे, पहले ये देखेंगे कि इंडिया में क्या चलता है बॉस। देखो तो फर्स्ट लिखो, पहला आपका आता है यूरोपियन ऑप्शन, पहला आपका आता है यूरोपियन ऑप्शन, प्लीज राइट डाउन। इन दिस केस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड, तुमको अभी समझेगा, देखो ये ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन एक्सपायरेशन डेट। देखो अगर तुमने यूरोपियन ऑप्शन लिया, सो देखो ना, जब तुम ऑप्शन लेते हो तो व्हाट हैपेंस यार, टेल मी, इट इज ए फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव, ये तो कंफर्म है बात, डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अभी वो फार्मर का एग्जांपल लो प्लीज, फार्मर वाले ने एक प्राइस बताया था, कौन सा प्राइस बताया था उसने, कि उसको उसका जो भी माल है कितने को बेचने का है, 50 रुपए को बेचने का है। तो भाई साहब एक डेट फिक्स होगा ना, उस डेट पे वो चेक करेगा कि मार्केट में कितना भाव है, उसका भाव कितना है, तो वो डेट रहेगा ना। तो यूरोपियन ऑप्शन अगर आपने लिया रहेगा, सो इट विल एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे एंड यू कैन एक्सरसाइज योर ऑप्शन ओनली ऑन दैट डे, उसके पहले नहीं। इसका एग्जांपल सेम वो फार्मर का लिए थे, तो अगर फार्मर ने ये लिया रहेगा यूरोपियन ऑप्शन, अरे उसको बीच में ऑप्शन नहीं है जाके उसको फोन करने का, देखो फार्मर को प्रॉफिट कब होगा मुझे बताओ, फार्मर को कितने को बेचने का है, 50 रुपया। अगर मार्केट नीचे जाता है वो वीट का, लेट अस से 30 रुपए पे आ गया, वो एग्जांपल में 30 रुपए लिया था मैंने, इसका मतलब क्या है, बाकी सभी लोगों को कितना पैसा मिलेगा वो 1 किलो वीट बेचने के बाद, 30 रुपए मिलेगा, इसको कितना मिलेगा, 50 मिलेगा। तो जिस दिन मार्केट नीचे जाएगा ये फार्मर उस दिन सामने को फोन करेगा, ए भाई मुझे आज के आज क्या करने का, एक्सरसाइज करने का,
ये अब भी पॉसिबल है क्या यूरोपियन ऑप्शन में? नहीं, क्यों लिखा है देखो उन्होंने, ये लिखा है कि इट ओनली एक्सपायर ऑन द एक्सपायरेशन डेट, जो डेट दिया है उसी दिन चेक करेंगे, उसके पहले नहीं। इसका अपोजिट क्या है मालूम क्या? लिखो अपने यूएस वाले लोग अमेरिकन ऑप्शन कुछ भी करते रहते, अमेरिकन ऑप्शन। मैं क्यों बोला? क्योंकि तुमको याद आएगा वो अमेरिकन ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी करो, कभी भी। दैट्स व्हाई ये ऐसे याद रखना, यूएस वाले लोग कुछ भी करते थे, कभी भी करते थे, एनी टाइम। दैट मीन्स व्हाट? अपने में कैसा है वो? एट एनी टाइम बिफोर योर एक्सपायरी डेट ऑल्सो। देखो इन दिस केस ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। इन इंडिया both options are traded by any chance if you go on CNBC TV 18 आपको वहां पे right hand side पे, if you see on the last Thursday of the month, अगर आप महीने के last Thursday को अगर check करोगे तो आपको वहां पे ऐसा नाम दिखेगा AO या EO, मतलब American option, European option, everything you will see over there. तो अभी next time when you see, don't get confused का मतलब क्या, तुमको already मालूम है इसका मतलब क्या है, ठीक है? Okay, now comes the most important part. तुम लोग का ध्यान नहीं है तो प्लीज जाके एक वीडियो बंद करो, ऐसा पानी वानी मार के मस्त में की चाय कॉफी पियो और फिर बैठो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अपन क्या करने वाले अभी भाई साहब? सो नाउ अपन ने कैटेगरी देखा, अभी अपन टाइप्स देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ऑप्शन। अरे मेनी पीपल गेट कंफ्यूज, मतलब ऐसा होता है कि भाई साहब पूरा सीएमए फाइनल हुआ तभी भी अगर मैं जाके उसको पूछा ना कि कॉल और पुट में फर्क क्या है, वो बंदा ऐसा देखेगा, नहीं ये कॉल पुट नहीं मालूम, वो स्किप किया था, ऐसे बोलेंगे। तुमको ऐसा नहीं करने का है, तुमको मालूम होना चाहिए कि इसका दोस्त का मतलब क्या है। The point is, if you see, I'm a little bit sweating. No, it's not. Acha. अरे तो AC खराब हो गया, तो AC वाला आने वाला है 2-3 दिन बाद. And Pune में it is so hot that it is like crazy. I don't know in what in your area, but Pune is like freaking. It's very hot over here. But the show must go on. Okay. So basically, अभी types of option में, भाई साहब. That's why I'm drinking water on a very continuous basis. जी इतना ये हो रहा है ना, तो types of option में एक तो एक call और दूसरा है अपना put. एक तो एक call और दूसरा अपना क्या है? Put है. Now, सर एक call put क्या है रे? अब तुम call put के पहले एक और एक concept दिमाग में डालो. मालूम है क्या तुमको? Bullish और bearish. सबको मालूम है. Everybody ने देखा रहेगा अपना क्या big bull. हर्षद मेहता सबने देखा रहेगा. हर्षद मेहता उसको big bull क्यों बोलते रहे? उसको बिग बुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक शेयर का प्राइस क्या करता था? ऊपर तक लेके जाता. व्हाई इट इज कॉल्ड बुलिश? वो बुल ऐसा रहता है ना, वो बुल ऐसा नीचे करके उसे ऊपर जाता है. इसका मतलब क्या है? वो बुलिश इन नेचर है. एंड जब एक शेयर प्राइस नीचे से एकदम ऊपर जाता है तो ऊपर बोलते हैं ये बुलिश है. बुलिश कब होगा? मार्केट एकदम हैरान. दिवाली के समय क्या होता है? जब फेस्टिव सीजन आता है, व्हेन एनी सीजन कम्स इन इंडिया, एवरीवन इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक. अरे कुछ खरीदने का है आज, मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाते हैं. और बेरिश का मतलब क्या है? डाउनफॉल. बेर, उसको बेरिश क्यों बोलते हैं? अरे भालू को कभी देखा है क्या? भालू को कभी मारते हुए देखा है क्या? तो ऐसे पैर से मारता रहे हो, दबाता नीचे. दैट्स हाउ व्हेन द मार्केट गोज डाउन इट इज कॉल्ड एज बेरिश. ये दो कंसेप्ट समझा, बुलिश और बेरिश. ओके नाउ पे अटेंशन. दो टाइप के ऑप्शन है, कॉल और पुट. एकदम तुम्हारा फुल कॉन्सेंट्रेशन मांगता, ठीक है? कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है? अगर तुमको इतना सा भी डाउट है, इतना सा भी तुमको टिप मिल रहा है, तुम्हारे एनालिसिस से तुमने ये सोचा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, यू विल परचेस अ कॉल ऑप्शन. मैंने क्या वर्ड यूज किया? यू विल परचेस अ कॉल ऑप्शन. जब कब करोगे? जब तुमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है.
इसका उल्टा क्या रहेगा, अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो क्या परचेस करोगे, पुट ऑप्शन। तो इसका मतलब यह है कि अगर मार्केट नीचे भी गया हम फिर भी कमा सकते हैं, एंड द आंसर इज डैम यस, इवन इफ द मार्केट्स गो डाउन स्टिल यू कैन बी इन प्रॉफिट। ये तो चमत्कार हो गया। अगर तुमको देखो मैं वापस स्टार्टिंग में क्या बोला जब मैंने लेक्चर शुरू किया, डेरिवेटिव्स और नॉर्मल कैश मार्केट यार अपने इक्विटी का मार्केट, अरे बहुत फर्क है उसमें। पीपल हु डू नॉट हैव द नॉलेज दे एंटर इनटू एफएनओ ये फ्यूचर ऑप्शन में और पूरा पैसा बर्बाद। पहले नॉलेज लो, पहले ये समझो कि कॉल और पुट का मतलब क्या है, सबसे बेसिक है ये। वापस बोलता हूं मैं, मैंने एक टेबल तैयार किया है, वो टेबल आपको इतना काम में आएगा ना कि पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर का एकदम खत्म। मैं ड्रॉ करें और वो टेबल, वो जो टेबल ड्रॉ करेगा ना मैं वो दीवार पे चिपकाओ काफी दो, योर स्टडी टेबल वेर एवर यू वॉन्ट। ओके एक दो मिनट वापस एक बार कॉल और पुट देखते हैं। व्हाट इज कॉल ऑप्शन, इफ यू थिंक यू फील on your analysis the market are going to go up so tum call option purchase karoge abhi I'll stick to this and I'll tell you what is the meaning of this maine purchase bola let us say mr a was there aur mr a ne ek call option liya tata ke upar kya liya ek call option liya are bhai sahab call option liya iska matlab kya hai इसका मतलब ये है कि मिस्टर ए इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इज वेरी बुलिश ही इज थिंकिंग द मार्केट इज गोइंग टू गो अप एंड दैट्स द रीजन दिस बॉय हैज बॉट व्हाट कॉल ऑप्शन। इतना कंफर्म ओके। आता मला एक सांगा, टेल मी वन थिंग, अगर मार्केट नीचे गया मिस्टर ए का पूरा एनालिसिस कचरा हो गया, कचरा एकदम नीचे गया मार्केट, अरे नो वन नोज द मार्केट रे, लोग इतने बोलते रहते ये एनालिसिस, अरे किसको कुछ पता रहता नहीं ये कल क्या होने वाला मार्केट में, तुम कितना भी एनालिसिस करो नहीं मालूम रहता कुछ, नो वन नोज। सो मिस्टर ए का पूरा एनालिसिस पूरा कचरा, नेक्स्ट डे वो उठता है सुबह के सुबह और उसका मार्केट क्रैश डाउन, और इस भाई साहब ने क्या उठाया, कॉल ऑप्शन उठाया। अरे बाबा तो यही सबसे बड़ा फंडा है कॉल ऑप्शन का, अगर मिस्टर ए को लग रहा है अरे यार मुझे नुकसान होने वाला है तो वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेगा। एग्जाम्पल लेट अस से अभी इसका सम सॉल्व करने के, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, सो यू माइट गेट अंडरस्टैंड, मैं आई विल गिव यू इन अ वेरी सिंपल मैनर। सुनो, जब तुम परचेस करते हो ना ऑप्शन तो एक एक्सरसाइज प्राइस करके आता है। वापस, जब तुम एक ऑप्शन परचेस करते हो देयर इज सम कांसेप्ट नोन एज व्हाट, एक्सरसाइज प्राइस। सो इसने क्या बोला था अपने मिस्टर ए ने, दैट लेट अस से टाटा ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस है 50 रुपया, कितना है 50। Now please tell me one thing यार, जिस दिन वो एक्सरसाइज करेगा उस दिन वो मार्केट को कंपेयर करेगा, लेट अस से मार्केट में उस दिन भाव था 60 रुपए, ध्यान दो सब लोग, अभी मिस्टर ए का एक्सरसाइज प्राइस क्या है 50 रुपया, मार्केट में उस दिन प्राइस कितना था 60 रुपया था। अभी तुम मुझे बताओ इफ यू आर मिस्टर ए whether you will exercise the option or lapse the option। अरे भाई साहब तुम एक्सरसाइज करोगे, what you will do, you will exercise, why? सुनो, अरे पूरा मार्केट, पूरा मार्केट वो टाटा का शेयर कितने को खरीदेगा 60 रुपए, और तुम कितने को खरीदोगे 50 रुपए को, क्योंकि तुमने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। Did you get this? आराम से कितने का तुमको फायदा हुआ, 10 रुपए का फायदा हुआ, दोनों का डिफरेंस। एग्जाम्पल नेक्स्ट, मार्केट उस दिन 70 रुपए हुआ, तो मुझे एक बताओ अगर 70 रुपए होता है तुम्हारा जो कॉल ऑप्शन है वो एक्सरसाइज करोगे या लैप्स करोगे, और वापस योर आंसर इज यस, तुम वापस एक्सरसाइज करोगे। और यहां पे कितने का फायदा हुआ, यहां पे 10 का हुआ था फायदा, यहां पे 20 का हुआ, अरे पूरा मार्केट वो शेयर कितने को खरीदेगा 70 रुपए को, और तुम कितने में खरीदोगे 50 रुपए को, बॉस बिकॉज यू हैव गॉट द कॉल ऑप्शन, यू हैव बॉट द कॉल ऑप्शन। यहां तक ओके, अभी कुछ अलग करते हैं। ₹40 आ गया, मतलब मैं ऐसा ये क्या है, ये 60, 70, 40, ये क्या है भाई साहब, ये है तुम्हारे पॉसिबल प्राइसेस, एकदम आराम से जाओ, ये क्या है पॉसिबल प्राइसेस है, हो सकते हैं भाई साहब तो 40 भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी सा मार्केट बुलिश ही जाएगा, अरे कम भी आ सकते हैं ना भाई, 40 आ गया। अभी मुझे बताओ आप क्या करोगे, अभी तुम ये बोलोगे सर मैंने तो कॉल ऑप्शन लिया था
और मैंने ये लिया था कि भाई मैं 50 रुपए में खरीदेगा, अभी भाई मार्केट में 40 में मिल रहा है, तो मैं किससे 50 में क्यों लूं? तुम यही सोचोगे ना, इफ यू आर थिंकिंग एट माई वेवलेंथ यू विल थिंक दिस ओनली, 40 में मिल रहा है बार तो मैं 50 में क्यों लूं? तो तुम क्या करोगे, तुम्हारा ऑप्शन लैप्स करोगे। ये एक्सरसाइज का मतलब क्या है, एक्सरसाइज इसका मतलब क्या है, तुम लैप्स करोगे। सो ऐसा भी होता है क्या, इतना भारी है बेनिफिट? हाँ, तुम नहीं करोगे, तुम बोलोगे ए जो करने कर, मैं क्या कर रहा, मैं लैप्स कर रहा हूं। अरे भाई साहब, क्योंकि तुमने ये कॉल क्या किया है, परचेस किया है। अरे कंसेप्ट का नाम क्या है, अब तुमको समझेगा, ऑप्शन। अरे तुमको ऑप्शन दिया है ना, एक्सरसाइज करो नहीं तो लैप्स करो, इसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन बोलते हैं। अरे जबरदस्ती नहीं है अपने के ऊपर, प्रॉफिट में है एक्सरसाइज, लॉस में है लैप्स। इतना भी इजी नहीं है वो कि तुमको ऐसा भी इतना भी प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट मिलेगा। रुको, पेशेंस पेशेंस, दो मिनट। ये समझा तुमको, ये समझा? ऑब्वियसली देयर इज नो काउंटर आंसर, इट्स अ वेरी स्टूपिड क्वेश्चन फ्रॉम मी। ये समझा क्या, बिकॉज देयर इज नो गोइंग टू आंसर। तो मैं कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मैं लाइव ही ले रहा हूँ तुम्हारा। अपन एक लेक्चर लाइव भी करेंगे बाद में, अभी नहीं। हाँ, तो अगर 40 हो रहा है तो भाई साहब ये क्या करेंगे, लॉस हुआ। अभी तुम ये बोलोगे सर इसको लॉस कितना हुआ, अभी 10 रुपए मत लिखो वहां पे, वेट, अभी मैं आई टेल यू इसका फंडा क्या है। अरे बाबा लिखो तो, अरे बाबा तुमको इतना सब कुछ दे रहे मार्केट, तो तुमसे कुछ तो लेंगे ना, क्या लेंगे? हाँ, अभी मेरी बात सुनो, तुम अगर ये परचेस करते हो, अगर तुम बायर हो, वापिस बोल रहा हूं मैं, अगर तुम बायर हो, तुमको भाई साहब क्या देना पड़ता है, देयर इज समथिंग नोन एज प्रीमियम। तुम Spotify पे गाना सुनते हो, Spotify पे क्या होता है रे, एक तो जनरल है और एक प्रीमियम है। प्रीमियम में क्या होता है, एडवर्टीजमेंट नहीं लगते, यहाँ पे वही फंडा है, नो एडवर्टीजमेंट, वैसा नहीं बात कर रहा मैं ये बात कर रहा हूँ। अरे तुमको इतना सब कुछ दे रहे यार, ऑप्शन दे रहे, तुमको लॉस है, तुम लैप्स कर रहे हो, तो पहला प्रीमियम दो, पहला प्रीमियम दो, फिर तुमको हम ऑप्शन देंगे। गॉट इट? अभी मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, सब कुछ कॉल ऑप्शन। नाउ देयर इज वन मोर गाय हुज नेम इज मिस्टर बी, और वो क्या परचेस करता है, पुट ऑप्शन। सब लोग का ध्यान चाहिए, एकदम जबरदस्त कड़क कंसेप्ट है एकदम है। अरे ये दिमाग में गया ना, खेल खत्म, कुछ भी नहीं डेरिवेटिव में, नथिंग इज देयर, पोर्टफोलियो वॉज वेरी बिग। अरे डेरिवेटिव सिर्फ डराने के लिए है ही नहीं उसमें कुछ, अगर ये समझा नहीं तो, अगर ये समझा तो मक्खन, नहीं समझा तो गॉन। सब इजी है, कुछ नहीं डिफिकल्टी। नाउ परचेस पुट ऑप्शन, पुट का मतलब क्या है रे, सुनो, बेरिश। मिस्टर बी एक ऐसा आदमी है, अरे एकदम नर्वस है रे वो, उसको ये लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, उसका ऐसा इंटेंशन है, उसने एनालिसिस ऐसा किया कि ये मार्केट नीचे आने वाला है, तो उसने क्या खरीदा, एक पुट ऑप्शन खरीदा। प्लीज पे अटेंशन, उसने एक्सरसाइज प्राइस क्या बोला, लेट अस से एग्जांपल रुपीस, वही लेते ऊपर वाला 50, बट ये पुट ऑप्शन है। नाउ इसने बोला कि भाई साहब मुझे मालूम है मार्केट गिरने वाला है, टेंशन नहीं, ठीक है। तो अभी देखते हैं उस दिन क्या हुआ, जब उसने एक्सरसाइज का डे बोला था, उस दिन पॉसिबल प्राइसेस एकदम आराम से जाओ, टेंशन नहीं, उस दिन सच में मार्केट गिरा, और उस जो उसने वो प्राइस पुट ऑप्शन उठाया था जिस कंपनी का, उसका शेयर उस दिन 40 रुपए को आया, भाई साहब एकदम खुश। अभी क्यों खुश मुझे बताओ, नाउ आई टेल यू द लॉजिक, प्लीज लिसन। अरे पूरा दुनिया वो शेयर कितने को बेचेगा रे, 40 को बेचेगा। अभी मार्केट में कितना भाव शुरू है, 40। पुट ऑप्शन, कॉल दिमाग से निकालो दो मिनट, पुट ऑप्शन का मतलब होता है सेल। पूरा दुनिया कितने में बेचेगा, 40 में। अपना भाई साहब मिस्टर बी कितने में बेचेगा, 50 रुपीज, 50 रुपए। भाई साहब ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जितना मार्केट नीचे गिरेगा उतना ये कमाएगा, मंजे मार्केट नीचे भी गया अरे फिर भी तुम कमाओगे। देखो अभी नेक्स्ट, अगर 30 रुपीज जाता है, कितना, 30 रुपए, अगर 30 रुपए तुम्हारा ये जाता है क्या प्राइस, तो और बताओ मुझे, अरे ये भाई साहब और खुश होगा, क्यों, वो ये बोलेगा अरे बाप रे 30 रुपए गया, पूरा दुनिया कितने में बेचेगा, 30 में, और मैं कितने में बेचेगा,
50 में बेचेगा मैं, प्रॉफिट में एकदम तोड़। मतलब बाकी लोग पूरा रो रहे वहां पे, मार्केट नीचे जा रहा है और ये अपना भाई साहब एकदम खुश है क्योंकि इसने पुट ऑप्शन लिया। दिमाग में जा रहा है क्या तुम्हारे? जाता रहेगा, ये सिंपल है एकदम, सिंपल फंडा है। अभी जरा कुछ हटके करते क्या, मार्केट 60 रुपए पे गया, इसका चेहरा ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि भाई साहब को ये लग रहा था कि मार्केट नीचे जाने वाला है, अभी मार्केट गया ऊपर, अभी इसका बोलती बंद, अभी इसको प्रॉफिट, अभी क्या होगा, पूरा दुनिया कितने में बेचेगा, 60 में, और ये कितने में बेचेगा, 50। चिल, भाई साहब ने ऑप्शन लिया, परचेस किया है ऑप्शन। तो ऑप्शन का मतलब क्या है? अरे चॉइस है भाई के पास, तो क्या बोलेगा, ए है मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, मैं यहाँ पे एक्सरसाइज करेगा, और यहाँ पे क्या करेगा, लैप्स करेगा, मैं नहीं लेगा, नहीं चाहिए मुझे। बट मुझे एक बताओ रे, अगर तुम ये परचेस करते हो तो अगर परचेस करने में तुमको इतने एमिनिटीज मिल रहे, तुमको क्या पे करना पड़ेगा? बॉयज एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स एंड बॉयज, लेट मी कंक्लूड दिस थिंग। टेबल ड्रॉ नहीं किया मैंने, ये टेबल नहीं है, जो मेरा टेबल है मैं ड्रॉ करेगा, वेट सब्र, पेशेंस करो, पेशेंस चाहिए। सो टू कंक्लूड दिस टू थिंग्स, कैन आई से समथिंग लाइक दिस, अरे भाई साहब तुम कॉल ऑप्शन परचेस करो या पुट ऑप्शन परचेस करो, दोनों में एक चीज कॉमन है, क्या? प्रीमियम पे करना पड़ेगा, प्रीमियम दोनों में पे करना पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन ऑन दैट। अरे यू विल गेट सो मेनी बेनिफिट्स यार प्रीमियम पे करने के बाद, समझा? अगर ये दिमाग में गया रहेगा तो मैं तुम्हारे दिमाग में और कुछ डालना चाहता हूं, सुनो सुनो, सुनो, सुनो। भाई साहब अभी मैं किसके ऊपर आ रहा हूँ, कॉल ऑप्शन वापस। अरे सुनो रे यार, बहुत भारी कंसेप्ट है रे, सुनो सुनो सुनो, अगर मैं परचेस कर रहा हूं इसका मतलब क्या है, मैं कौन है, मैं बायर है। अरे बाबा दुनिया में जिससे मैं परचेस कर रहा हूं ऐसा कोई बंदा रहेगा जो सेल कर रहा है? अरे परचेस कब करेगा, जब सामने वाला बेच रहा है, समझ में आ रहा है क्या? तो अगर मैं क्वेश्चन में लिख के आ रहा है कि यू आर परचेसिंग अ कॉल ऑप्शन, सामने कौन रहेगा, सेलर। पहले वाले को क्या बोलते हैं, अभी सुनो अभी सुनो, अभी मैं कंसेप्ट पे आ रहा हूं, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन एंड सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन। और किस व्यक्ति को, किस व्यक्ति को पावर दिया है ऑप्शन लैप्स एक्सरसाइज करने का? इट इज नॉट द सेलर, इट इज द बायर। बायर के पास क्या है, ऑप्शन है। सेलर को वही करना पड़ेगा जो बायर कर रहा है, उसके पास ऑप्शन नहीं है। अभी इसका फंडा क्या है, अभी मैं एक मस्त पे की एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग को भी टेबल ड्रॉ करने का है क्या? एवरीबॉडी एवरीबॉडी चलो, चला चला चला, टाइप ऑफ ऑप्शन, टाइप ऑफ ऑप्शन, टाइप ऑफ ऑप्शन, चला बायर ऑफ ऑप्शन। अरे ये टेबल दिमाग में गया ना, खत्म रे, खत्म है ही नहीं कुछ इसके बाद। और एक अपना रहता है सेलर ऑफ ऑप्शन, सेलर ऑफ ऑप्शन। माय अपोलॉजीज, आई एम ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, ओके वेरी सॉरी बीच बीच में, बिकॉज इट्स फ्रीकिंग हॉट। सेलर ऑफ ऑप्शन, चला चलो, अभी इसमें अपने को क्या करने का है, पहला ये है अपना कॉल ऑप्शन। अरे भाई साहब अगर, सुनो सुनो सुनो, अगर कॉल ऑप्शन तुम बाय कर रहे हो, तुम बायर हो, तुमको क्या मिलेगा रे, लिखो यहां पे राइट टू बाय। आर यू गेटिंग दिस? राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। सेलर ऑफ ऑप्शन है, राइट नहीं मिलने वाला भाई साहब यहां पे, ऑब्लिगेशन टू सेल। वॉट इज ऑब्लिगेशन? अरे बाबा दो वर्ड बहुत जमीन आसमान का फर्क है, एक में राइट लिखा है, एक में ऑब्लिगेशन लिखा है। राइट का मतलब क्या है, वॉट इज राइट? अरे भाई ऑप्शन है तुम्हारे पास, राइट है अधिकार है, ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कंपल्सरी। अगर तुम कॉल ऑप्शन परचेस करते हो, अरे बाबा तुम्हारा हुकुम चलेगा, तुमने बोला प्रॉफिट है मुझे एक्सरसाइज करने का है, सामने वाले को अभी, फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग एंड आई एम द सेलर, आई हैव चोजन व्हाट सेलर ऑफ कॉल ऑप्शन, और मैं इस सर में बैठा हूं, तो मैं तुम्हारे एक्शन से रिएक्शन करेगा। इसका मतलब तुमने अगर एक्सरसाइज किया
तो मेरे पास ऑप्शन है ही नहीं कुछ भाई, ऑप्शन सिर्फ 21% के पास है, बायर। सेलर को वही करना पड़ेगा जो बायर कर रहा है। विषय एंड। ये तुमको अगर दिमाग में गया रहेगा, इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट। वीडियो आगे पीछे करो, रिवाइंड करो, वापस सुनो, बट सुनो ऐसा फास्ट फॉरवर्ड मत करो। नेक्स्ट, पुट ऑप्शन। व्हाट इज पुट ऑप्शन? मिस्टर बी वाला एग्जांपल। अरे इस बंदे को क्या मिलता रे? राइट टू सेल मिलता। अरे ये सेल करेगा ना। अगर तुमने पुट ऑप्शन परचेस किया है, पुट ऑप्शन परचेस, तो मैंने क्या किया है? आई एम द सेलर ऑफ पुट ऑप्शन, तो मैं क्या करेगा रे? ऑब्लिगेशन टू बाय। दिमाग में जा रहा है क्या? देखो डाइजेस्ट, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, बट पेशेंस, पेशेंस से, एकदम सिंसेरिटी से वो देखो टेबल, टेबल को दो तीन बार देखो। तुमको ये टेबल दिमाग में गया ना, देयर इज नथिंग इन डेरिवेटिव्स, आई कैन ट्रस्ट यू, आई कैन गिव यू द ट्रस्ट, देयर इज नथिंग इन दिस। व्हाट इज कॉल ऑप्शन? व्हेन यू वांट टू गो अप, अगर जा रहा है मार्केट ऊपर, तो तुम क्या करोगे? तुम कॉल ऑप्शन परचेस करोगे, राइट टू बाय। उस राइट का मतलब क्या है? तुमको भाई साहब पावर मिलता है। ये तुम बायर कब बनोगे रे? तुम बायर कब बनोगे? जब तुम इस व्यक्ति को, सुनो सुनो अभी, कंसेप्ट कंसेप्ट, अरे बब्बा सेलर क्यों शांत बैठा है वहां पे? सर वो सेलर को ऑब्लिगेशन है, बायर को वो राइट है, तो सेलर शांत क्यों बैठा है? क्योंकि उसने पैसा खाया है। कौन सा पैसा? ये प्रीमियम वाला। अरे अगर तुम बायर ऑफ कॉल ऑप्शन हो और मैं कौन है? सेलर ऑफ ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन, तो मैं चुपचाप क्यों बैठ रहा हूं? मैं तुम्हारा सब बात सुन रहा हूं। Why? Because I have received the premium and you have paid the premium. Because you are in that authority. Remember one thing, seller के पास एक भी ऑप्शन नहीं है। क्यों ऑप्शन नहीं है? कि भाई साहब उसके जेब में से पैसा नहीं जा रहा है कुछ। He is very calm. तो if I give you one logic, if I ask you a question, यार, अभी मार्केट में सबसे ज्यादा बायर रहेंगे क्या सेलर रहेंगे? And the answer is सेलर। अरे लोग पैसे लेके चुपचाप बैठते हैं, अरे कोई हिड़ोगिरी नहीं करेगा। तो देर आर मोर सेलर्स ऑफ ऑप्शंस इन द मार्केट, बिकॉज तुमको अगर तुम अगर सेलर हो ना, तुमको अपफ्रंट प्रीमियम मिलता है, अपफ्रंट इमीडिएटली। डिड यू गेट दिस पॉइंट? सो अगर तुम बायर ऑफ कॉल ऑप्शन हो, तो भाई साहब तुमको अधिकार मिलेगा। तुम कौन सा भी ऑप्शन परचेस करो, कॉल या पुट, ये फर्क नहीं है। कॉल तुम कब परचेस करोगे? जब तुम्हारा इंटेंशन है मार्केट ऊपर जा रहा है। तुम पुट का परचेस करोगे तो तुमको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है। झेपरा है क्या? झेपरा है क्या तुमको? राइट और राइट, और यहां पे ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, ऑप्शन नहीं, करना ही पड़ेगा। और एक्शन कौन लेगा? ये एक्सरसाइज, वो आपने को सम करने का आगे जाके एक्सरसाइज लैप्स। अरे भाई साहब ये सिर्फ और सिर्फ बायर के पास है, बिकॉज उसने एक भारी रकम दी है और उस रकम का नाम है प्रीमियम। समझा क्या तुमको? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, तुमको अगर इतना भी समझा रहेगा ना, तो विल स्टॉप हियर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ योर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर, स्ट्रेटजीज इन दिस ऑप्शन, तुमको बहुत मजा आएगा, ठीक है, स्ट्रेटजीज। बट ये लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, तब तक ये दिमाग में नहीं जाता है तब तक मैं आगे जाएगा नहीं। अगर आपको क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज व्हाट्सएप करो, बट दिस शुड गो स्ट्रेट इन योर हेड, देन आई गो फॉर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर विल बी ऑन फ्यूचर्स, कुछ सम लेंगे उसके ऊपर और स्ट्रेटजीज ऑफ कुछ डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज बी सेफ।